हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विंडीज़ और इंडिया के बीच जो ओडीआई सीरीज चल रही है उस ओडीआई सीरीज़ के सेकंड मैच की मैच प्रेडिक्शन। और ये मैच होगा 24 अक्टूबर की दोपहर 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला खेला जाएगा भारत के विशाखापट्टनम में। तो आइए ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम सेकेंड ओडीआई जीत सकती है और किस टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबती रायडू, MS धोनी और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। और वहीं अगर मैं विंडीज़ की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास कैरन पावल, चंद्रपाल हेमराज, शाई होप, शिमरन हेटमायर, मॉलन सैमुअल्स, रोमन पावल और जेसन होल्डर जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि बल्लेबाजी में तो भारतीय टीम का ही पल्ला भारी है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 75 दूंगा भारतीय टीम की बल्लेबाजी को और 25 दूंगा वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं विंडीज़ की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास एशलेन हर्ष, देवेंद्र विशु, केमार रोच, ओशन थॉमस जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं भारतीय टीम की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज हैं वह हैं मोहम्मद शमी, उमेश यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, खलील अहमद और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही भारतीय टीम का पल्ला भारी है। और अगर मैं गेंदबाजी के पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 80 दूंगा भारतीय टीम की गेंदबाजी को और 20 दूंगा वेस्ट विंडीज़ की गेंदबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये मैच खेला जाएगा भारत के विशाखापट्टनम में और मैं बैक करूंगा भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से भारतीय टीम ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो 85% चांसेस है भारतीय टीम के मैच जीतने के और 15% चांसेस है विंडीज़ के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच भारतीय टीम नहीं विंडीज़ जीतेगी तो आप विंडीज़ के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, Enjoy life.